हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की ये धमाकेदार कॉमिक्स स्पेशल्स। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें और आपको हमारे कॉमिक्स के अपडेट समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। 25 अक्टूबर, राजनगर। इससे पहले कि तुम मास्टर और उनके अनुयायियों को तबाह करने के अपने मंसूबे में कामयाब हो, अघोरा तुझे तेरे परिवार के साथ तबाह कर देगा स्वामीनाथन। यह गैजेट्स खास तंत्र ऊर्जा को सोख कर उन्हें कई गुना अधिक घातक बनाने के लिए निर्मित किए गए हैं। सर टनाक, इनसे निकला वार तुम तीनों को पल भर में खाक कर देगा। इतने खतरनाक डायलॉग्स बोलते हो, घातक हथियार रखने की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं। सुपर कमांडो ध्रुव, तू अघोरा के काम में रुकावट डाल सकता है। इसके लिए मास्टर ने पहले ही अघोरा को सचेत किया था। यह जिंक्स्ड बॉल तुझे उछलना कूदना तो दूर, एक कदम उठाने लायक भी नहीं छोड़ेगी। इंग्लिश बोलने वाला अघोरी वाकई घोर कलयुग आ गया है। अब तो सी ग्रेड विलन्स भी बी ए पास होते हैं। सी ग्रेड अघोरा को सी ग्रेड बोला तूने? पैरानॉर्मल साइंस का विशेषज्ञ है अघोरा। अघोरा की जिंक्स्ड बॉल करंट जैसी ऊर्जा प्रवाहित कर रही है। इसके झटके भी 440 वोल्ट के करंट जैसे ही है, जो कि मुझे अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहे। यह गेंदे किसी उपग्रह की तरह मेरे चारों ओर चक्कर काट रही हैं और मेरे कदम आगे बढ़ाते ही तीव्र करंट डिस्चार्ज कर रही हैं। भागने की कोशिश करना बेकार है स्वामीनाथन, तू जानता है कि मुझे क्या चाहिए। स्क्रैच, अब फैसला तेरे हाथ में है कि मुझे मेरे मतलब की चीज देगा या फिर अपनी जान। उस फैमिली को बचाने के लिए मुझे इस कैद से निकलना होगा। क्रर, यदि इन गेंदों की ऊर्जा विद्युत प्रवाह के सिद्धांत पर काम कर रही है, तो इसे निष्क्रिय करने का सबसे आसान तरीका है शॉर्ट सर्किट। जिसे मेरी नायलॉन स्टील रोप और रबर के सक्शन कप आसानी से अंजाम दे सकते हैं। क्रर, यह क्या तंत्र माला अपने आप कैसे टूट गई? इसे तो 100 हाथियों का बल भी नहीं तोड़ सकता। लगता है शैतान की शक्तियां जागृत हो रही हैं। जिंक्स्ड बॉल तो निष्क्रिय हो गई, अब अघोरा से निपटा जाए। यह नहीं हो सकता, मास्टर का डर सही निकला। शैतान की जागृत हुई शक्तियां मेरी मृत्यु का कारण बन गई। अब उसे उत्पात मचाने से कोई नहीं रोक सकता। आह, यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगा जैसे यह आग अपने आप गाड़ी और उसके आसपास की हवा में लग गई हो, और यह गाड़ी अपने आप हवा में कैसे उठने लगी? अघोरा तो जलकर खाक हो गया। इससे पहले कि आग पेट्रोल तक पहुंचे, मुझे गाड़ी में मौजूद लोगों को बचाना होगा। उफ, कार में सवार दोनों व्यक्ति भी अघोरा की तरह ही जलकर मर चुके हैं, लेकिन आग की लपटे इस बेहोश बच्चे तक नहीं पहुंची है। बूम, संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून स्पेशल्स। 30 अक्टूबर, तैयार रहो वह आ रहा है। इस बार यह बचना नहीं चाहिए, सब अपनी अपनी पोजीशंस ले लो, हम अटैक करने को तैयार है। रेडी अटैक। दिस इज नॉट फेयर ध्रुव भैया, आप हर बार कैसे बच जाते हैं? जब मैं छोटा था तब मैं भी छिपकर माँ को और जुपिटर सर्कस के दूसरे कलाकारों को ऐसे ही डराता था। दत्त, इसीलिए आपको सारे ट्रिक्स पता है, लेकिन अब हम क्या करें? आपको डराए कैसे? और आपको डराना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल हेलोवीन नाइट है। अब आप ही बताओ हम आपको कैसे डराएं? कल तुम सब अपनी हेलोवीन कॉस्ट्यूम तो पहनोगे ही, मैं तुम सबको देखकर ही डर जाऊंगा। सच्ची मुच्ची, तुम लोगों ने फिर से अपने ध्रुव भैया को आते ही परेशान करना शुरू कर दिया। चलो जाकर प्ले ग्राउंड में खेलो। सितारा दीदी तो जब देखो तब डांटती रहती है, लेकिन आप अपना प्रॉमिस मत भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। थैंक्स ध्रुव, तुम्हारे आने से बच्चों को तो मानो कोई नियामत मिल जाती है। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए सितारा, तुम इन अनाथ बच्चों के लिए जो कर रही हो वह वाकई काबिले तारीफ है।
हर बच्चा स्पेशल होता है ध्रुव, हर बच्चे में एक अलग प्रतिभा, एक अलग ऊर्जा होती है जो कि माता पिता के संरक्षण, स्नेह और मार्गदर्शन से सही दिशा पाकर निखरती है। लेकिन इन सभी बच्चों ने किसी ना किसी हादसे में अपने माता पिता को खो दिया, जहाँ इनके माता पिता व परिवार तो खत्म हो गए लेकिन इन बच्चों का बाल भी बाका ना हुआ। मैंने खुद एक हादसे में अपने माता पिता को खो दिया था, इसीलिए मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ। नन्हे सितारे के जरिए मैं इन बच्चों को वह संरक्षण, स्नेह और मार्गदर्शन देना चाहती हूँ जो मुझे नहीं मिला। एंड यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। थैंक्स ध्रुव, तुम्हारे सपोर्ट के बिना यह काफी मुश्किल होता। तुम इन बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई पर करोड़ों रुपये खर्च करते हो और किसी को पता भी नहीं चलने देते। मेरी कहानी तुमसे और इन बच्चों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है सितारा। जुपिटर सर्कस के हादसे में मैं तो बच गया, पर मैंने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया। 5 दिन पहले के उस हादसे की तरह, जिसमें जीवित बच गए बच्चे को मैं यहाँ ले आया था। कैसा है वह? अभी भी शोक में है। उसका इस शोक से निकलना बहुत जरूरी है सितारा। वही एकमात्र कड़ी है जो मुझे असली अपराधी तक पहुंचा सकता है। लेकिन वह तो अपना नाम तक नहीं बता पा रहा है। अंश नाम है उसका। उसके पिता परामानवीय विज्ञान विशेषज्ञ प्रोफेसर स्वामीनाथन के प्रोफाइल रिकॉर्ड जांचे हैं मैंने। परामानवीय विज्ञान यानी भूत प्रेत, जादू टोना। सही लफ्जों में कहा जाए तो असामान्य मानव सभ्यता से परे शक्तियों का वैज्ञानिक विश्लेषण परामानवीय विज्ञान कहलाता है। अंश के परिवार पर हमला करने वाला अघोरा भी परामानवीय विज्ञान का जानकार था। इससे घटना को एक अलग दृष्टिकोण मिल रहा है सितारा। ट्राई योर लक ध्रुव, पर मुझे नहीं लगता कि यह बच्चा तुम्हारी कोई भी मदद कर पाने की स्थिति में है। अपने माता पिता की मौत का बहुत ही गहरा सदमा लगा है इसे। कैसे हो अंश? क्या मैं देख सकता हूं कि आप दीवार पर क्या बना रहे हैं? हे भगवान, कितनी अजीबो गरीब ड्राइंग है। तुमने ठीक कहा था सितारा, इसके दिमाग को वाकई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, या फिर बात कुछ और है। ओराकी एस्टेट्स, आउटर राजनगर। ध्रुव वहां पहुंचेगा इसका अंदेशा तो था हमें, लेकिन वह बच्चा कैसे बच गया? वह बच्चा बचेगा इसका अंदेशा मुझे था। क्या मतलब? मतलब समझने के चक्कर में मत पड़ो और आखी मतलब की बात सुनो। हमारे पास सिर्फ कल रात तक का मौका है अपने प्लान को सफल बनाने का, लेकिन यह ध्रुव हमारे काम में जरूर अड़ंगा लगाएगा। उसकी फिक्र आप मत कीजिए मास्टर। अगोरा नहीं रहा तो क्या हुआ? अभी हमारी आस्तीन में बहुत से पत्ते छिपे हुए हैं। वन डे लेटर, 31 अक्टूबर। लेट हो गया, नन्हे सितारे के बच्चे बैंड बजा देंगे। ओ, कमांडो हेडक्वार्टर से मैसेज आ रहा है। कैप्टन स्वामीनाथन की असिस्टेंट क्यारा का पता चल गया है। अभी अभी उसने हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिस्ट्रेस कॉल की है। आपसे ही बात करने की जिद कर रही थी। तुमने उसका कॉल ट्रेस किया? यस कैप्टन। गुड, एड्रेस बताओ करीम, मैं फौरन वहां पहुंचता हूँ। ध्रुव भैया अभी तक नहीं आए, उनके बिना हम ट्रिक और ट्रीट कैसे शुरू करें? शायद ध्रुव भैया किसी सुपर विलन से लड़ रहे होंगे। तुम्हारे ध्रुव भैया नहीं आए तो क्या हुआ? आज की रात मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी ट्रिक और ट्रीट। हाँ, क्यों डरा दिया ना? अरे यह मैं हूं, तुम्हारी सितारा दीदी। अच्छा चलो सब रेडी हो जाओ, अब हम लोग घर घर जाकर ट्रिक और ट्रीट खेलेंगे। यह यकीनन वही स्थान है। मुझे यहाँ पर तीव्र तरंगों की अनुभूति हो रही है। मुझे इस पूरे स्थान पर अभिमंत्रित शमशान की राख बिखेरनी होगी। ए कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? महाकाल की राह मत रोक मूर्ख। बालिके, मुझे यहाँ उपस्थित सभी बच्चों के गले में काल सूत्र भी बांधना होगा, अन्यथा वह शक्ति उत्पात मचा देगी। परे हट लड़की। सितारा दीदी, हमारी सारी कैंडीज ले लो, पर सितारा दीदी को कुछ मत कहना। महाकाल को उस लड़की से कोई मतलब नहीं। महाकाल का कार्य तो तुम बच्चों से सिद्ध होगा। मेरे पास आओ प्यारे बच्चों। बच्चों की ओर हाथ भी मत बढ़ाना महाकाल, वरना सितारा तेरे लिए काली बन जाएगी। धड़ाक। आह, तेरा यह दुस्साहस लड़की कि तू महाकाल पर वार करे।
तुझे अबला जानकर मैं तुझ पर तरस खा रहा था, पर लगता है तुझे महाकाल की शक्तियों से अवगत कराना पड़ेगा। तुझे तेरी दृष्टा की सजा बाद में दूंगा, पहले इन बच्चों से निपट लूं। उफ, मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रही हूं। करीम का बताया एड्रेस तो यही है, पर मैं पूरा घर खंगाल चुका हूं। यहां तो किसी का नामो निशान नहीं है। कहां गई क्यारा? यह तो खून है, वह भी ताजा। इस पूरे घर में सिर्फ इसी दीवार के कोने पर मात्र दो खून के धब्बे होने का एक ही मतलब हो सकता है। इस दीवार के पीछे कोई खुफिया रास्ता है, बस उसे खोलने का तरीका ढूंढना होगा। इस पूरे घर में सिर्फ इसी दीवार पर यह टाइल्स की पट्टी लगी है। इस पट्टी पर ही खुफिया दरवाजा खोलने का लीवर होना चाहिए। इस पूरे पैनल में सिर्फ यह चक्र अपनी जगह पर नहीं है। अरे, मेरे हाथ लगाते ही यह तो अपनी जगह से खिसक रहा है। इस बेसमेंट को परामानवीय विज्ञान प्रयोगशाला का रूप दिया गया है। ओ माई गॉड, यह सब क्या है? लास्ट की स्थिति देखकर लगता है जैसे इसे किसी तंत्र सिद्धि के लिए इस प्रकार लटकाया गया है। मारपीट के कोई निशान नहीं, शायद तंत्र साधना में ही इसकी जान गई है। ओ, मेरे इसे हाथ लगाते ही छत से बंधी डोरिया अपने आप हिल रही है और लाश किसी कठपुतली की तरह अपने हाथ पांव चला रही है। उफ, मैं अपना हाथ इसके जिस्म से अलग नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मिक ऊर्जा इससे जुड़ गई है। घबराओ नहीं प्यारे बच्चों, मुझे सिर्फ तुम्हारे गले में काल सूत्र बांधना है, फिर मेरा काम अपने आप हो जाएगा। तड़ाक, मैंने तुझसे कहा ना, इन बच्चों से दूर रहे। शुक्र है इस फ्लाइंग ब्रूम का रिमोट कंट्रोल अभी भी मेरे हाथ में ही था। महाकाल के हाथ से उसकी तंत्र खोपड़ी छूटते ही मैं उसकी तंत्र कैद से आजाद हो गई हूं। अब मैं आराम से उठ भी सकती हूं और इसकी पिटाई भी कर सकती हूं। तड़ाक, यह सारी गड़बड़ इन डोरियों के हरकत में आने से ही शुरू हुई है। पहले इनका ही बंदोबस्त करना होगा, लेकिन कैसे? मेरे हाथ लाश से इस कदर चिपके हुए हैं कि मैं स्टार ब्लेड्स का प्रयोग नहीं कर सकता। शायद यह टोटके के लिए प्रयोग किया गया खंजर मेरी मदद कर सके। बस मुझे अपने शरीर को इस कोण पर मोड़ना होगा कि खंजर तक ना पहुंच सकूं, कि खंजर तक पहुंच सकूं। साए, और फिर इस खंजर को छत से बंधी इन डोरियों की ओर टारगेट करके चलाना होगा। कहीं पर ओम हीम क्लीम रक। मेरा अंदाजा सही था, वे डोरिया अभी मंत्रित थी। उनके कटते ही क्यारा का शरीर शिथिल हो गया है और मेरे हाथ भी स्वतंत्र हो गए। आह, यह कैसे हुआ? विपरीत शक्ति को आजाद किसने किया? कड़ूम, हे भगवान, यह क्या है? महाकाल को रोककर तूने जो मूर्खता की है, उसका परिणाम अब तेरे और इन बच्चों के साथ साथ यह पूरा शहर भुगतेगा। खो खो, अब यहां रुककर कुछ नहीं होने वाला। महाकाल को कहीं और पहुंचना होगा। भाग, तुम सब ठीक तो हो? हाँ दीदी, पर वह दाढ़ी वाला विलेन कहां गायब हो गया? पता नहीं, पहले भीतर चलकर देखना होगा कि इमारत पर गिरी बिजली ने क्या कहर मचाया है। आश्चर्य की बात है, इतनी प्रचंड बिजली गिरने पर भी इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तो सब कुछ सामान्य दिख रहा है। सितारा दीदी, उधर देखो, अंश के कमरे से इतनी तेज रोशनी कैसे आ रही है? कहीं अंश को कुछ हो तो नहीं? हे भगवान, अंश नहीं। जैको लैंटर्न, अपना बदला लेने के लिए आखिर मैं आजाद हो ही गया। अब होगा हैप्पी हेलोवीन। क्या हुआ मास्टर, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन लंबे समय तक नहीं रहूंगा। हमें अति शीघ्र विपरीत शक्ति को कैद करना होगा। विपरीत शक्ति? वह क्या है? समझाने का समय नहीं है। और आखिर हमें जल्द से जल्द ध्रुव को ढूंढना होगा। ध्रुव की बलि देने का समय आ गया है। यह मामला तो और पेचीदा होता जा रहा है। रहस्य को सुलझाने के लिए मैं क्यारा की तलाश कर रहा था, लेकिन यहाँ तो उल्टा रहस्य और गहरा हो गया। इस जगह की तलाशी में भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, मुझे वापस नन्हे सितारे पहुंचना होगा। अरे, यह बीच रास्ते में कौन बैठा है?
कौन हो तुम? इस तरह बीच सड़क पर क्यों बैठी हो? उफ, मेरे पास आते ही यह इतना वेदनापूर्ण रुदन क्यों करने लगी? तुम तो क्या रहो? तुम तो मर चुकी थी। ओ, इसके मुंह से निकलने वाली साउंड वेव्स मुझ पर हमला कर रही है। गरुम, इसकी शक्ति का प्रयोग इस पर ही करना होगा।